बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू उर्दू क्लास। अच्छा बच्चों, आज है 21 सितंबर 2020, यानी सितंबर की आज डेट है 21 और ईयर है 2020 और आज डे है मंडे यानी पीर का दिन। ठीक है, तो आपने उर्दू की वर्ड बुक का पेज नंबर 51 जो है वो ओपन करना है, उर्दू की ये जो वर्ड बुक है। ठीक है, आज हम इसमें वर्किंग करने वाले हैं पेज नंबर 51 पे। बिफोर वी स्टार्ट अ वर्क, फर्स्ट वी रिसाइट अ दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा तफरमा, आमीन। अच्छा, मैंने यहाँ पे पेज 21 पे जो है वो टिक भी कर दिया है, तो आपने क्या करना है इसमें कलर कर देना है। ठीक है, और हमें इसमें क्या करना है, दी गई तस्वीर की आखिरी आवाज पहचाने और लिखें, यानी यहाँ जो तस्वीरें बनी हुई है हमें इसकी आखिर की आवाज जो है वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे आखिर में कौन से हर्फ की आवाज आ रही है वो हर्फ हमने यहाँ पे लिख देना। आपको पता है हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या बना हुआ है, दीवार। दीवार, दीवार के आखिर में किसकी आवाज आ रही है, रे की। दीवार, रे की आवाज आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रे। ठीक है, और नीचे देखें शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, गाइन की आवाज, गा की आवाज आ रही है यानी गाइन की, तो हम यहाँ पे गाइन लिखेंगे, शुतुरमुर्ग। ठीक है, फिर क्या बना हुआ है, आम। आम, म की आवाज आ रही है यानी मीम की आवाज आ रही है, तो हम यहाँ पे मीम बना देंगे। और टीचर ने आपको ये भी बताया था कि आखिर में आप यहां से भी देख सकते हैं कि आखिर में कौन सा हर्फ लिखा हुआ है, बस वो हर्फ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बादाम। बादाम पता है ना, आप खाते हैं ना बादाम, बादाम के आखिर में किसकी आवाज आ रही है, फिर से मीम की आवाज आ रही है, बादाम। किसकी आवाज है, मीम की। ठीक है, उसके बाद क्या है ये, अखरोट। अखरोट, ट यानी टे की आवाज, अखरोट, तो यहाँ पे टे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है ये, अंगूर। अंगूर, र मीन्स यानी रे की आवाज। ठीक है, और ये क्या है, बाग। बाग यानी ग की आवाज यानी गाइन की आवाज, गाइन की आवाज क्या है, ग, तो यहाँ पे गाइन आ गया। ठीक है, तो हमने आज क्या लिखना सीखा है, यानी जो तस्वीरें थी उनकी आखिर की आवाज हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद हमें आज क्या करना है, पेज नंबर 30 और 31 की उर्दू जो ये कायदा है आपका, इसकी पेज नंबर 30 और 31 की रीडिंग भी करनी है। तो ये टीचर ने आपको पहले भी पढ़ना सिखाया कि किस तरह पढ़ा जाता है, यानी ये हर्फ फे है, फे की आवाज है फ, फे फौजी, फ फौजी, फे फवारा, फ फवारा, फे फर्नीचर, फ फर्नीचर, और फे हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करता है, तो फौजी। ठीक है, इसी तरह ये क्या था, काफ। काफ की आवाज थी का, काफ से कुरान मजीद, का कुरान मजीद, काफ से कायदे आजम, का कायदे आजम, काफ से कुल्फी, का कुल्फी, और हम कपड़े किससे काटते हैं, तो काफ से कैंची, का कैंची। ठीक है, तो इन दोनों पेजों की भी रीडिंग आपने आज करनी है। इसी के साथ हम सब एक साथ कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे हम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।